Hey everybody, welcome back to my channel, Rajveer Fitness Series. This is me, Rajveer Shishodia. और जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, 18 मार्च से वर्कआउट शुरू करेंगे. तो आज हमारा 18 मार्च मंडे है, वर्कआउट शुरू करेंगे. मंडे है क्योंकि सारे लोगों को चेस्ट करनी होती है, तो चेस्ट के साथ शुरू करेंगे. वार्म अप मैं कर चुका हूँ, इसलिए सांस चल रही है मेरी. तो करते अपना वर्कआउट शुरू, लेट्स गो. सो गाइज, क्योंकि चेस्ट करनी है तो पुशअप्स के साथ शुरू करेंगे. जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूँ कैसे पुशअप्स करेंगे, और जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, जो बहुत टाइम से जिम जा रहे हैं, वो पुशअप्स कैसे करेंगे. वर्कआउट से पहले 3 से 4 सेट पुशअप्स हमने करने हैं. वार्म अप अगर आपको कार्डियो के साथ करना है, वैसे तो कार्डियो नहीं करना जिन लोगों को वेट बढ़ाना है या साइज गेन करना है, कार्डियो नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपको करना है वार्म अप के लिए, तो 3, 4, 5 मिनट आप कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए. वार्म अप करेंगे ताकि इंजरी से हमारी चेस्ट बची रहे. तो करते शुरू पुशअप्स के साथ. जो हमारे बिगिनर दोस्त हैं वो कैसे पुशअप्स करेंगे, जो पुशअप्स नहीं कर पाते हैं, अपने घुटनों पे बैठेंगे एकदम लाइक दिस. 1, 2, 3, 4. और जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, नॉर्मल पुशअप्स जैसे करते हैं, 1, 2, ऊपर आके होल्ड करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस. 20 रेप्स करने हैं, 3 से 4 सेट करने हैं. बहुत अच्छा आपका वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद करेंगे अपना वर्कआउट शुरू. 5 एक्सरसाइज करेंगे बस. और चेस्ट आप लोग हार्ड नो कैसे ट्रेन करते हो, हम ज़्यादा ध्यान देंगे आज अपने पुशअप्स पर. जो लोग बोलते हैं कि हम वर्कआउट करते हैं लेकिन हमारी बॉडी गेन नहीं हो रही, हमारी चेस्ट शेप में नहीं आ रही, तो ट्रस्ट मी, पुशअप्स ही आपकी चेस्ट बना देगा. कैसे करते हैं वर्कआउट शुरू, लेट्स गो गाइस. जैसे कि ये हमारी गेनिंग सीरीज़ है, तो वेट ऑब्वियसली हमें थोड़ा हैवी उठाना है. हैवी का मतलब क्या है, एक तो हमारी फॉर्म नहीं ख़राब होनी चाहिए, और दूसरा हमारी बॉडी को इंजरी नहीं होनी चाहिए. हैवी उतना उठाना है जिससे कि आप 10, 12, 15 रैप आराम से निकाल पाओ हैवी वेट के साथ, और आपकी बॉडी को ना तो इंजरी हो और ना ही आपकी फॉर्म ख़राब हो. तो सबसे पहला वर्कआउट है हमारा इंक्लाइंड बेंच पर डंबल प्रेस. शुरू करना है, वेट उठाने का एक तरीका होता है जब हम हैवी वेट लेते हैं. बहुत से लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत नहीं है. आपको पैर से अपने लेग के प्रेशर से डंबल को ऊपर फेंकना है. तो कैसे करेंगे, लाइक दिस. 10 से 12 रेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइक दिस. इसकी हमारी फॉर्म क्या है वो जान लीजिए. ये हाथ हमारे ना तो पूरे नीचे आएंगे, ना पूरे ही हमारी एल्बोज सीधी होगी. हमने क्या करना है, बहुत से लोग कंप्लेंट जो करते हैं वो यही छोटे छोटे रीजंस होते हैं कि मसल ग्रो नहीं करती. जब हम डंबल को यहाँ लेके जाते हैं, हमारी एल्बो सीधी हो जाती है, तो मसल हमारी रेस्ट में आ जाती है, जो कि हमें रेस्ट में नहीं रखनी है. नीचे से जाएंगे और हमारी एल्बो सीधी लॉक करेंगे. सीधी भी नहीं हुई है और सीधी भी है, लाइक दिस. 1. इसके बाद जैसे कि मैंने बोला पुशअप्स करेंगे. ओए चुप हो जा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 से 15 रेप पुशअप्स करेंगे. तो ये हुआ हमारा एक सेट, हमने 4 करने हैं, लाइक दिस. तो गाइज, एक सेट डंबल प्रेस, देन 10-15 रेप्स करेंगे पुशअप्स. तो ये हमारा एक सेट हुआ, हम 4 करेंगे. पुशअप्स मैं क्यों कर रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग जब हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो कितनी बार क्या होता है, चेस्ट पर उतना ज़्यादा प्रेशर, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं आया जितना कि हमारे हाथों पर आ गया. तो वो टेंशन, वो प्रेशर देने के लिए हम कर रहे हैं पुशअप्स. आप अगर नहीं लगा पाएँ हर सेट के बाद, मैं तो हर सेट के बाद लगाता हूँ, आप अगर हर सेट के बाद नहीं लगा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 सेट अपने नॉर्मल सेट लेंगे, उसके बाद 50 रैप, 20 रैप, 30 रैप पुशअप्स करेंगे, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे. तो चलते हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो है हमारा फ्लैट बेंच पर बारबल प्रेस, लेट्स गो. सो गाइस, दूसरी एक्सरसाइज आती है हमारी, फ्लैट बेंच पर लेंगे बारबल प्रेस, चेस्ट प्रेस भी इसको हम बोलते हैं. तो कैसे करेंगे, जो मैंने फॉर्म बताई है, पूरा नीचे नहीं जाएंगे और एल्बो सीधी नहीं करेंगे, बीच बीच में हमको खेलना है, चेस्ट पर टेंशन आएगा, देन उसके बाद एक सेट मारेंगे पुशअप्स का, तो होगा हमारा एक सेट. देख लीजिए, 10 से 12 रैप, वेट उतना लेंगे जिससे कि आपकी फॉर्म ख़राब ना हो और आपको इंजरी ना हो, और 10 से 12 रैप आप
आराम से निकाल पाए लाइक दिस। वन, देखिए एल्बो सीधी नहीं हो रही है मेरी। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन लाइक दिस। देन इसके बाद सेट हम कंप्लीट करेंगे पुशअप्स के साथ लाइक दिस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो ये हुआ हमारा एक सेट, हमने करने हैं चार सेट। पुशअप्स उतने ज़्यादा नहीं मारने हैं, अपनी लिमिट से ज़्यादा मारने को मैं 50 भी मार सकता हूँ, लेकिन 10 से 15 मारेंगे ताकि चेस्ट पर टेंशन भी बना रहे और हमारी जो बॉडी में फेलियर भी ना हो। हाथ भर जाएंगे तो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी इंक्लाइन बेंच पर चेस्ट फ्लाई। कैसे करेंगे, फॉर्म देखिएगा बहुत ध्यान से। हमने क्या करना है, थोड़े हैवी डंबल लेने जिससे कि हमारे 10-12 रैप निकल पाएँ। और फॉर्म देखिएगा, एल्बोज पूरी नीचे नहीं जाएंगी और नीचे जाएंगी तो बेंड होंगी। ऊपर आके हमें पूरे हाथ स्ट्रेट करने और अपने डंबल्स के बीच वी बनाना है लाइक दिस। अब जब हाथ ऊपर आएंगे तो पूरे सीधे होंगे और डंबल्स के बीच में वी बनाएंगे। देखिए नीचे नीचे डंबल को टच करेंगे जिससे कि हमारी लोअर चेस्ट में और ज़्यादा अपर चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन फील होगी और ज़्यादा स्क्वीज होगा लाइक दिस। वन, टू, थ्री, फोर, 10-12-15 रैप करेंगे और फॉर्म ख़राब नहीं होने देंगे। और उसके साथ करेंगे अपने पुशअप्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व लाइक दिस। तो ये हुआ है हमारा एक सेट, हमने करने चार। तो दोबारा से हम डंबल फ्लाई करेंगे और एक सेट पुशअप्स करेंगे तो जिससे कि हमारी चेस्ट पर टेंशन बनी रहे। सो गाइज, फोर्थ वर्कआउट आता है हमारा डिक्लाइन बेंच पर करेंगे बारबल प्रेस। तो मैंने बहुत जिमों में क्या देखा कि डिक्लाइन बेंच जो होती है वो प्रॉपर डिक्लाइन नहीं होती है। आप यहाँ पर देखिए, पूरी ऊपर से खड़ी है, नीचे लेटी हुई है। तो इसको हमने क्या करना है, अगर हमारे जिम में डिक्लाइन बेंच नहीं है तो हमने क्या करना है, बेंच के पैर के नीचे 10 किलो की 15 किलो की 2 या 3 प्लेट लगा देनी है जिससे कि आपकी बेंच आगे से उठ जाएगी और पीछे से गिर जाएगी, तो वो प्रॉपर डिक्लाइन बेंच हो जाएगी। एंड सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, गर्मी आ गई है, ज़्यादा ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें। और इसका जो लोग लिंक मांग रहे थे मैं दूंगा जल्दी, पहले बनवा लूँ बॉटल्स। तो करते हैं अपना वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। और जैसा कि मैंने पोजीशन बताई है, पूरा नीचे नहीं लाना, एल्बो सीधे नहीं करने, बीच बीच में खेलना है। तो करते हैं शुरू, पोजीशंस देखते रहिए लाइक। चेस्ट पर टच करना है और इसको हमने उठाना है लाइक दिस। वन, टू, थ्री, फोर, लोअर चेस्ट के लिए हमारी बहुत अच्छा वर्कआउट होता है ये। तो हमें पूरा एल्बो सीधे नहीं करने, बीच बीच में उसको रखना है ताकि हमारी चेस्ट पर ज़्यादा टेंशन आए। इट्स डन। तो जैसा कि जब से करते आ रहे हैं, करेंगे अपने पुशअप्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, दैट्स इट। ये हमारा एक सेट हुआ है, हमें करने हैं चार। तो अब चार करने हैं। सो गाइज, फिफ्थ और लास्ट वर्कआउट आता है हमारा पैक डेक फ्लाई और यू कैन से बटरफ्लाई। तो इसमें मैं आपको बताऊं, 80% लोग जो होते हैं ना, इसमें फॉर्म गलत करते हैं। कैसे करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, ये देखिए, इसको ऐसे खींचेंगे और ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत फॉर्म है। चेस्ट ग्रो होना तो क्या, उल्टा इंजरी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल भद्दी दिखेगी अगर आपकी फॉर्म गलत है तो। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो सही फॉर्म होती है वो क्या होती है। शोल्डर के एक लाइन में देखिए, शोल्डर है, उसके एक लाइन में हमारी एल्बो है। इसको हमें क्या करना है, खींचना है, हमारी एल्बो बेंड रहेंगी पीछे और आगे आके हमारे हाथ स्ट्रेट हो जाएंगे, स्क्वीज करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। देखिए ये पीछे गए, एल्बो मुड़ी और आगे आके हमारा स्क्वीज हो गया लाइक दिस। पीछे गए, आगे आके हमारे हाथ स्ट्रेट हो गए, स्क्वीज कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अच्छे से फील कर रहे हैं ना, तो एल्बो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, सेंटर में रहेगी। हमारा जो शोल्डर है उसके एक लाइन में, देखिए एक लाइन में रहेगी। जब आप मिरर में देखें तो आप देखें कि आपकी जो एल्बो है वो शोल्डर के साथ है। करेंगे अब इसके साथ हमें क्या करना है, अपने पुशअप्स जैसे करते आए हैं। वन,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 8 से 10 पुशअप्स करेंगे, देन ये हो जाएगा हमारा वर्कआउट कंप्लीट। सो गाइज, ये जो वर्कआउट हमने किया ये आपको 4 हफ्ते फॉलो करना है, मतलब कि अगले महीने की 18 तारीख को मैं वर्कआउट चेंज कर दूंगा, 4 हफ्ते आप ये करें, इसका मज़ा लें वर्कआउट का। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जिन लोगों ने ये वर्कआउट आज किया है उनको कैसा फ़ील हुआ, उनकी बॉडी में उन्हें पंप फील हुआ या नहीं हुआ। तो गाइज ऐसे ही वर्कआउट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल हमारे बैक के वर्कआउट के साथ, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।